स्टूडेंट्स टू डी कंटिन्यूट दैट इज द न्यू बिकनिक मोहिना एंड मिस दिव्या वॉक टूगेदर मोहिना और जो मिस दिव्या मतलब जो इनकी क्या थी पी टी इंस्ट्रक्टर थी वो दोनों साथ में जा रहे थे आई एम श्योर यू विल बी एबल टू ज्वाइन द टीम सुन उन्होंने दिव्या मोहिना को समझाया मिस दिव्या ने कि आप एक बहुत अच्छी प्लेयर हैं और मुझे भरोसा है आप पर कि आप बहुत ही जल्दी इस टीम में शामिल हो जाओगे यू आर एक्स एक्सेप्शनली गुड प्लेयर क्या है तुम तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनली मतलब बहुत अच्छी प्लेयर हो मोहिना स्पोक सॉफ्टली मोहिना ने धीरे से बोला बट आई डोंट थिंक दैट आई कैन प्लेयर अगेन वेरी सुन तो धीरे से कहती है कि uh, मुझे नहीं लगता कि मैं इतनी जल्दी खेल पाऊंगी इतना अच्छा बिकॉज ऑफ माई लेफ्ट लेग मेरी लेफ्ट uh, लेग की वजह से आई फील अ स्लाइट वीकनेस मुझे थोड़ी वीकनेस लगती है इन माई लेग मिस दिव्या कैप्ड हर हैंड मिस दिव्या ने उसका हाथ पकड़ा एंड जेंटली ऑन मोहिना शोल्डर और मोहिना के शोल्जर पर रखा शी स्पोक इन अ इन अ रीजरिंग वॉइस उन्होंने क्या है एक मतलब प्यार भरी आवाज़ में धीरे से कहा लेट मी टेल यू समथिंग इम्पोर्टेंट मुझे सबसे ज़रूरी क्या है वो बताओ हैव यू हियर ऑफ विल्मा गोल्डन गोल्डन रुडोल्फ एंड सी एन जानकी क्या आपने विल्मा गोल्डन रूडोल्फ एंड सी एन जानकी के बारे में सुना है नो no, मैम Well, uh, मोइना ने कहा नहीं आई वॉन्ट टू शेयर विद योर स्टोरी अबाउट दिस मैं आपको इसकी स्टोरी बताना चाहूंगी टू वेरी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वुमेन जो दो बहुत ही यूनिक बहुत इंटेलिजेंट वुमेन है विल्मा जो विल्मा वाज एन ओलंपिक जो है वो ओलंपिक की चैंपियंस है हु फ्रॉम पोलियो उसको पोलियो हो गया था इन हर चाइल्ड हुड डे उसके बचपन के दिनों में ही और जो जानकी है वो क्या थी फर्स्ट एवर स्पेशली चैलेंज्ड पर्सन थी जिसने क्या किया था हु द इंग्लिश चैनल इन 1992 क्या है इंग्लिश चैनल में क्या है वो छा गई थी इन रिलेटिव रिलेटिव में यूली really, मोहिना uh, ने कहा सच में मोहिना लुक्ड विद वाइड ओपन आई मोहिना ने अपनी बड़ी बड़ी आंखें फाड़ कर देखा एज मिस दिव्या कंटिन्यू जैसे दिव्या बोले जा रही थी विल्मा रुडोल्फ वाज बोर्न प्रीमेच्योर एंड सिकली ऑन ट्वेंटी थ्री जून नाइनटीन फोर्टी इन सच सत... Bethlehem. क्या है कि जो विल्मा है वो जो विल्मा रुडोल्फ है वो प्रीमेचोर यानी बहुत ही कमजोर और बीमार पैदा हुई थी ट्वेंटी थ्री जून नाइनटीन फोर्टी को ठीक है शी स्टिकन विद पोलियो एज अ चाइल्ड क्या है वो बचपन से ही मतलब ऐसी थी जैसे उसको पोलियो आ, पोलियो बच्चे होते हैं वैसी थी एंड हैड प्रॉब्लम्स विद हर लेफ्ट लेग एंड फुट उसके लेफ्ट लेग और फुट में प्रॉब्लम थी शी हैड टू वेयर ब्रेस एज इट हैड बिकम ट्विस्ट ट्विस्टेड ड्यू टू पोलियो क्या है वो क्या है पोलियो की वजह से उसको अपनी लाइफ में दो बार प्रॉब्लम हो चुकी थी हर फादर एड वाज रेलवे पोर्टर उसके जो फादर थे वो क्या थे रेलवे पोर्टर थे एंड हर मदर ब्लैच मेड क्या है वो मेड मतलब जैसे घर पे काम करने वाली थी हर फैमिली ट्रेवल्ड विद हर नेशविल इन फॉर द ट्रीटमेंट ऑफिस ट्विस्टेड लेग जो उसकी ट्विस्टेड लेग थी उसके ट्रीटमेंट के लिए क्या है उसके पेरेंट्स लगे हुए थे हर फर्म डिटर्मिनेशन एंड फिजिकल थेरेपी इनेबल्ड हर टू ओवरकम द डिजीज इस डिजीज से ओवरकम के लिए उसकी फिजिकल थेरेपी में लगे हुए थे